हेलो फ्रेंड्स, नीलू की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? हैप्पी होली फ्रेंड्स। आज की रेसिपी है, समझ ही गए होंगे, पुआ। तो देखिए कौन से बर्तन में गांव में बनाते हैं पुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट भी है, क्रिस्पी भी है, और आटे और सूजी का पुआ है। तो ये मैंने ड्राई फ्रूट्स यहाँ कट कर ली है, और ये पानी है, और इसमें आधा दूध और आधा पानी डालेंगे। और ये मैंने आटा डाल दी है, और ये सूजी है। तो दो कटोरी अगर आटा है तो एक कटोरी सूजी डालेंगे, या फिर आप ज़्यादा क्रिस्पी खाना चाहते हैं तो बराबर डाल सकते हैं आटा जितना, उतना सूजी भी। और इसको इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल देंगे, और हम ये मिला करके 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए घोल। गांव में इसको डोरी बोलते हैं। ये घोल करके 2-3 घंटा छोड़ देने से अच्छा पुआ बनता है। और अब हम इसको रख देंगे, जितना चाहे आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। अब हम इसमें चाशनी बनाएंगे। ये मैंने चीनी ली है, इसमें बराबर मात्रा में चीनी, जितना चीनी है उतना ही पानी डाल के चाशनी बनाएंगे। चाशनी नहीं बनाना है, मतलब तार तो नहीं बनाना है कि 1 तार 2 तार, सिर्फ बॉयल होने तक है। 2-3 उबाल आता है बस, हो गया, उतना ही करना है। ये इस तरह से बनके हो गया है तैयार चाशनी। ज़्यादा गाढ़ी नहीं करनी है। और थोड़ी सी इलायची भी डाल दिए हैं इसमें, और ये घोल अब फूल गया है। इलायची थोड़ी सी डाल दिए इसमें भी, और ये है तवा। ये बहुत बड़ी रहती है, जिसमें कि 4 पुआ एक बार में ही निकालते हैं। तो इसमें तेल डाल दी है, तेल घी आप जिस चीज़ में चाहे, रिफाइंड ऑयल उसमें निकाल सकते हैं। और इसमें मैंने डाल दी है 4 पुआ, और इसको अच्छे से पकने देंगे, और इसको पलट लेंगे, और इस तरह से सारे पुआ को पलट लिए हैं, और एक एक करके निकालते जाएंगे और चाशनी में डालेंगे। और चाशनी में भी रहने नहीं देना है, एक एक करके निकालते जाएंगे चाशनी से भी, नहीं तो ज़्यादा मीठी हो जाएगी। और ये फिर मैंने दोबारा पुआ डाल दी है इसमें इस तरह से, और इसको भी पलट लेंगे। आटे और सूजी के पुआ बनके तैयार है फ्रेंड्स। आपको पुआ कैसी लगी आप ज़रूर बताएंगे। और फिर से हैप्पी होली। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।